नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज राष्ट्रीय रात कोष से संबंधित यह आपका प्रमुख आर्टिकल। तो बात करेंगे कि आखिर किस कारण से अभी चर्चा में, और जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है ये आखिर है क्या, उसे भी देख लेंगे, इसके कार्य भी देखेंगे, स्वीकार किए जाने वाले अंशदान के प्रकार देख लेंगे, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष के बारे में भी जान लेंगे, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भी देख लेंगे, इसके उद्देश्य देखेंगे और आलोचना के जो बिंदु हैं उन्हें भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मानव सृष्टि के सृजन से लेकर वर्तमान तक विभिन्न आपदाओं का साक्षी रहा है। आपदाओं का रूप राष्ट्रीय रहा हो या फिर अंतरराष्ट्रीय रहा हो या फिर मानव जाति ने हमेशा इससे निपटने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मानव इस समय भी कोरोना वायरस रूपी वैश्विक आपदा से निपटने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। मानव जाति अपना अमूल्य योगदान यथा डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आवश्यक वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने वाले कर्मियों के रूप में अपनी सेवाएं देकर कर रही है। इन लोगों में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष योगदान न देकर अप्रत्यक्ष रूप से अपने घरों में रहकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक आपदा से निपटने में राष्ट्रीय राहत कोष में अपनी क्षमता अनुसार दान कर रहा है। याद रहे कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। आज विश्व के अधिकांश देश इस महामारी से निपटने के लिए जहद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया। लॉकडाउन के कारण देश के भीतर होने वाले आर्थिक संविवाद और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व दोनों ही गिरावट हुई है दोनों में। इस बिगड़ परिस्थिति से निकलने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स नामक कोष की स्थापना की है और लोगों से अधिक दान देने की अपील भी की है। इस आलेख में आपदाओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की भूमिका व उनकी पृष्ठभूमि पर विचार विमर्श करने के साथ ही प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति कोष के गठन की आवश्यकता पर भी समीक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। आखिर आपका क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष? पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों की मदद करने के उद्देश्य जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता द्वारा दिए गए अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष हैं तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी आवेदनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। याद रहे कि यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है। इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। वर्ष 1985 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्ण नियंत्रण में ले लिया गया था। वर्ष 1985 से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से धन का आवंटन व लाभार्थी के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है। इसके कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री राहत कोष की धनराशि का उपयोग प्रमुखता बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। कोष में संचित समग्र निधि का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूप में
रूपों में किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से ही वितरित की जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का अंकेक्षण नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने की छूट प्राप्त है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से गुजरात भूकंप भूकंप सुनामी बुंदेलखंड सूखा मुंबई आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर बाढ़ उत्तराखंड बाढ़ चेन्नई व केरल में आई बाढ़ में राज्यों को आर्थिक सहायता पहुंचाई है। बात करते हैं स्वीकार किए जाने वाले अंशदान के प्रकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था द्वारा केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं। सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते। विनाशकारी स्तर की प्राकृतिक आपदा के समय प्रधानमंत्री इस कोष में अंशदान करने हेतु अपील करते हैं। ऐसे शासित अनुदान जिसमें दाता द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2019 के अंत तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 3800 करोड़ रुपये का फंड शेष था, जो कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से निपटने में पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष की स्थापना की गई है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष। भारत में कोरोना वायरस व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष यानी कि पीएम केयर्स नामक एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान करने की अपील की और कहा कि इसमें जो पैसा आएगा उससे कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री की इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उसके सदस्यों में आपका रक्षा मंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल किया गया है। इस ट्रस्ट में विज्ञान स्वास्थ्य विधि और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों को बतौर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है। यह ट्रस्ट धन का आवंटन और लाभार्थियों के चयन का निर्णय ट्रस्ट के सदस्य व मनोनीत सदस्यों के सामूहिक निर्णय के आधार पर करता है। इस ट्रस्ट में भी सरकार के बजट स्रोतों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। कंपनियों द्वारा किया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे। पीएम केयर्स ट्रस्ट में पदेन सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति इसे एक विकेंद्रीकृत निकाय बनाकर जवाबदेही बनाती है। इस ट्रस्ट में संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के द्वारा संसद सदस्य भी धन का योगदान कर सकते हैं। तो बात करते हैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है। MPLADS यानी कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012, मई 2014 में पुनः संशोधन किए गए। दिशा निर्देशों को संशोधित करते समय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों
भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग, अब नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग की जगह अब आपका नीति आयोग आ गया, कि कार्यक्रम मूल्यांकन गठन संगठन सभी हितधारकों के सुझावों व विगत वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया। बात करें उद्देश्य की, इसका उद्देश्य संसद सदस्यों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना है जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें। योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो विकास मूलक स्थानीय जरूरतों पर आधारित जनता के उपयोग के लिए हमेशा सुलभ हो। इस योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क इत्यादि। इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यपगत होती है, अर्थात यदि कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होती है तो उसे आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशियों में जोड़ दिया जाता है। इस समय प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत संसद सदस्यों की भूमिका संस्तुति परक है। वे संबंधित जिला पदाधिकारियों को अपने पसंद के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जो संबंधित राज्य की स्थापित कार्यविधियों का पालन करते हुए इन कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। बात करते हैं आलोचना के बिंदु क्या है, आगे उन्हें भी लिख लेते हैं। भारत में ट्रस्ट भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत काम करते हैं। किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए यह आवश्यक होता है कि उसकी ट्रस्ट डीम न्यास बिल्ले बने, जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र होता है कि वह किन उद्देश्य के लिए बना है, उसकी संरचना क्या होगी, वह कौन कौन से काम किस ढंग से करेगा। फिर इसका पंजीकरण सम रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार के कार्यालय में कराना होता है। पीएम केयर ट्रस्ट के विलय, उसके कानून व नियम तथा इसके पंजीकरण संबंधी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं। आलोचकों के एक वर्ग का मानना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की उपस्थिति के बावजूद पीएम केयर्स नामक नए ट्रस्ट की स्थापना का उचित अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जबकि पीएम केयर्स ट्रस्ट का संचालन किस मंत्रालय व किन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पीएम केयर्स ट्रस्ट में विपक्ष के नेता व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। पीएम केयर्स ट्रस्ट को इस क्षेत्र में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है, परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पर कार्य करते समय इसे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिए, यहाँ विपक्ष के नेता का मतलब होता है जिस पार्टी को 10% सीट मिलती है, एक सत्तारूढ़ पार्टी हो जाती है जो मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाती है। विपक्ष में वही बैठ पाता है जिसकी 10% सीटें मिली हों जिसको। तो याद रखना, 16वीं और 17वीं लोकसभा में किसी को 10% सीटें नहीं मिली हैं, तो विपक्ष का नेता नहीं अभी कोई। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो इस वैश्विक संकट की घड़ी में सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आत्मीय एकजुटता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। निसंदेह कोरोना वायरस के प्रसार से उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थापित किए गए पीएम केयर्स ट्रस्ट में पारदर्शिता का अभाव है, परंतु इस समय सरकार को अपना पूरा ध्यान इस समस्याओं के निदान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की खरीद, अधिक से अधिक टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराने व प्रभावी वैक्सीन के निर्माण की दिशा में लगाना चाहिए। तो चलिए, ये था आपका राष्ट्रीय राहत कोष से संबंधित प्रमुख आर्टिकल।